हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलेंसिंग का नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। पिछले दिन मैं आप लोगों को बैलेंसिंग सिखा चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि उसकी प्रैक्टिस आगे करनी जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस के लिहाज से ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहां HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेफरेंस के रूप में दिख रहा है, वहीं कैल्शियम नाइट्रेट विथ वाटर प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है। पिछले दिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट्स के लिए एक टेबल और प्रोडक्ट के लिए अलग टेबल बना लेंगे और सभी एलिमेंट्स को टेबल में लिख लेंगे और उनके संबंधित एटम्स की संख्या को भी लिख लेंगे। ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए उतना रिपीट करने की जरूरत मुझे नहीं जान पड़ रही है। वैसे अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताने का प्रयास करेंगे। अब इक्वेशन की तरफ देखिए, HNO3 में हाइड्रोजन एक दिख रहा है, यहां प्रोडक्ट में HNO3 में हाइड्रोजन एक, वहीं CaOH2 में हाइड्रोजन 2 है, जबकि प्रोडक्ट में H2O में हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। देखिए इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट की एटम्स को यहां लिखिए। हालांकि आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सोवियत के लिहाज से रफ में ऐसा लिख सकते हैं। यहां कैल्शियम की संख्या बैलेंस्ड, कैल्शियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, दोनों बैलेंस्ड है। NO3 को पहचानेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके देखने से प्रॉब्लम होगी। सीधे NO3 को देखिए, NO3 रिएक्टेंट में 1 दिख रहा है, जबकि प्रोडक्ट में NO3 की संख्या 2 दिख रही है। अतः सबसे पहले NO3 को बैलेंस करने के लिए HNO3 के पहले 2 डालना होगा। अब NO3 2 और यहां भी NO3 2, NO3 बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन भी 2 और 2 मिलकर के 4 बन चुका है, यानी रिएक्टेंट में अब हाइड्रोजन 4 बन चुके हैं, वहीं प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा होगा। तब H2O में 2 डालकर के हाइड्रोजन की संख्या को 4 बना लेंगे। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन यहां 6 और 2 8 हो चुका है, वहीं रिएक्टेंट में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो चुका है। फिर
बाकी को भी काउंट करके इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि बाकी एलिमेंट्स के एटम बैलेंस हुए या नहीं। नाइट्रोजन दो प्रोडक्ट में भी दो, ऑक्सीजन को तो हम लोगों ने देखा है, कैल्शियम एक और एक, इस तरह से देख सकते हैं यह इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखें। यहां क्वेश्चन स्केल्टन इक्वेशन के रूप में दिया गया है जिसे बैलेंस करने की जरूरत है। फिर पहले वाले प्रक्रिया को भी दोहरा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे, इसलिए सीधे सोचे। यहां सोडियम का एक एटम दिख रहा है जबकि प्रोडक्ट में सोडियम के दो एटम दिख रहे हैं, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए अन्य ओएच के साथ दो लगा देते हैं। वहीं अब हाइड्रोजन दो और दो चार दिख रहे हैं जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दो ही दिख रहा है, तो यहां H2O के साथ भी दो लगा ले रहे हैं। इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या चार होगी और ऑक्सीजन दो और चार छह हो गए। रिएक्टेंट में भी देखते हैं, ऑक्सीजन दो और चार छह हो गए, सल्फर रिएक्टेंट में एक, प्रोडक्ट में भी एक। इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर चुके हैं। वैसे भी यह मेथड ट्रायल और एरर का मेथड होता है जहां एक दो बार प्रयास करना पड़ता है। बैकग्राउंड में आ रहे आवाज के लिए सॉरी, बहुत सारी तकनीकी बाधाएं आई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी।